और चलिए सबसे पहले बात यहां पर पंजाब की करेंगे। पंजाब के 5 निगमों के चुनाव 15 नवंबर तक होंगे और इसके लिए पंजाब लोकल बॉडी विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को औपचारिक पत्र भेज दिया है। दरअसल जिन निगमों में चुनाव होने हैं वो है अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना और फगवाड़ा। और आपको बता दें कि फगवाड़ा नगर निगम में अभी तक एक बार भी चुनाव नहीं हुआ। पंजाब में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है। पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने चुनाव आयोग को नगर निगम चुनाव कराने के लिए पत्र लिखा है। 5 नगर निगम में चुनाव करवाने के लिए पंजाब सरकार ने पत्र लिखा है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के अगस्त महीने में जारी आदेशों के बाद पंजाब सरकार इन चुनावों को लेकर हरकत में आ गई थी और वार्ड बंदी का काम तेज कर दिया गया था। पंजाब लोकल बॉडी विभाग की तरफ से चुनाव आयोग को निगम चुनाव कराने के लिए पत्र लिखा गया है। दरअसल पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब सरकार को निगम चुनाव 15 नवंबर से पहले करवाने के लिए कहा था, जिसके बाद अब लोकल बॉडी विभाग ने भी चुनाव आयोग को निगम चुनाव 15 नवंबर से पहले करवाने के लिए कहा है। लोकल बॉडी विभाग की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा में पंजाब सरकार को 15 नवंबर से पहले चुनाव करवाने होंगे, जिसमें अब करीब 1 महीने का ही समय रह गया है। ध्यान रहे कि अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला में जनवरी 2023 से निगम चुनाव पेंडिंग चल रहे हैं, जबकि फगवाड़ा को नगर निगम बनाए जाने के बाद अभी तक चुनाव हुए ही नहीं है। वार्ड बंदी का काम पूरा न होने के कारण ये चुनाव लगातार लेट हो रहे थे। राज्यपाल बनवारी लाल ने नगर निगम चुनावों के अलावा 39 नगर परिषदों के चुनाव कराने की भी मंजूरी दी हुई है, लेकिन इन्हें लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन या पत्र नहीं लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।